एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव में जो एक हरित घाटी के दिल में स्थित था, वहां एक बुद्धिमान बौद्ध सन्यासी रहते थे जिनका नाम ली था। उनकी प्रेम और अनुराग के गहरे सिखावटों के लिए वे दूर दूर से मशहूर थे। लोग उनकी बुद्धिमत्ता की कमाल की सिखावटों को सीखने के लिए दूर दूर से आते थे, उम्मीद करते हुए कि प्रेम को अनुराग के बिना कैसे जिया जाए। इन सिखावटों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में निहित थे, जिनमें सभी चीजों की अस्थायिता और अपने आप को आत्मा से बांधने के महत्व को जोर दिया गया था, सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए। उन्होंने यह माना कि प्रेम दुनिया में एक शक्तिशाली बल हो सकता है, लेकिन केवल तब जब यह बुद्धिमत्ता के साथ और अनुराग के बिना अमल किया जाए। एक सूर्यमय सुबह एक युवती जिसका नाम लीना था, मंदिर में ली के मार्गदर्शन के लिए पहुंची। वह प्रेम करते समय अनुरागी बनने की अपनी असमर्थता से गहराई से परेशान थी। उसने सन्यासी को बताया कि उसने कैसे दिल टूटने का सामना किया है। प्रेम के बादले में जब उसके संबंधों में दिल टूटा और उसे खाली और खोया हुआ महसूस हुआ, तब लीना ने ली के सुनाने की भावनाओं को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करना शुरू किया। मेरी प्यारी लीना, आसक्ति हमारे दिलों को बांधने वाली भारी जंजीर होती है और दुहक का कारण बनती है, ली ने आहिस्ता से कहा। लेकिन प्रेम जब बुद्धिमत्ता के साथ अमल किया जाता है तो यह बड़ी खुशी और पूर्ति का स्रोत हो सकता है। लीना को बिना आसक्ति के प्यार करना सीखने की उत्कट इच्छा थी और ली ने तय किया कि वह अपने मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी से सुनाया गया एक कहानी को साझा करेंगे। लेकिन उसने पहले यह स्पष्ट कर दिया कि प्यार और आसक्ति के मौलिक अंतर को समझना आवश्यक है। सबसे पहले ली ने आरंभ किया, तुम्हें प्यार और आसक्ति के बीच का अंतर समझना चाहिए। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो यह साफ प्यार होता है। तुम कहते हो, मुझे तुम्हें खुश देखना है और अगर उस खुशी में मेरा भी हिस्सा है तो बेहतर है। अगर वह मुझे शामिल नहीं करती है तो भी ठीक है। वैसे भी मुझे चाहिए कि तुम अपने जीवन में खुश रहो। यह प्यार है। जबकि आसक्ति में तुम कहते हो, तुम्हें मुझे खुश रखना है। अगर वे तुम्हें खुश नहीं कर पा रहे हैं तो तुम कहते हो, तुम मुझे क्यों खुश नहीं कर रहे हो। यही आसक्ति कहलाती है। लीना ने समझे के साथ सिर हिलाया, जबकि ली बात करते रहे। मेरी प्यारी लीना, आसक्ति के बिना प्यार करने के लिए तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि सब कुछ और हर कोई परिवर्तनशील है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अब मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो, लीना ने शुरू किया। एक पास के गांव में, ली ने कहा, वहां एक जोड़ा रहता था जिनके नाम अर्श और माया थे। वे गहरे प्यार में थे और पूर्ण संबंध के प्रतीक लगते थे, लेकिन माया को गंभीर बीमारी हो गई और उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। अर्श बहुत दुखी था क्योंकि उसे अपनी प्रिय पत्नी को खोने का ख्याल बर्दाश्त नहीं होता था, ली ने कहते हुए जारी किया। माया की स्थिति और खराब हो गई। अर्श ने रातों रात उसकी देखभाल की, उसके कोमल हाथों को पकड़ा और प्यार भरे शब्दों को फुसलाया। वह माया की मौजूदगी से जुड़े थे और उसके स्वस्थ होने की आशा में बेहद झूंझ रहे थे, लेकिन उनके सारे प्रयासों के बावजूद अंत में माया की मृत्यु हो गई। लीना ध्यानपूर्वक सुन रही थी, उसकी आंखों में अर्श के प्रति सहानुभूति भरी थी। माया की मृत्यु के बाद, ली ने कहा, अर्श गहरे दुख में डूबा रहा। वह दिनों तक उसका शोक करता रहा, सुकून नहीं पा सका। लेकिन फिर एक रात जब वह चांद की ओर देख रहा था, उसे एक गहरा बौद्धिक अनुभव हुआ। उसे समझ आया कि उसका माया के प्रति आसक्ति ने उसको उसके दुख का कारण बनाया था। उसने उसे गहरे प्रेम से प्यार किया था, ली कहा, लेकिन उसने उसे एक संपत्ति की तरह धारण किया था। जीवन की अस्थायिता को समझने में वह अनजान था। लीना ने सिर हिलाया, कहानी में सबक को समझने लगी। मेया की याद को सम्मानित करने का फैसला करने वाले अराश ने मुस्कुराते हुए कहा, माया की याद को सम्मानित करने का फैसला करने वाले अराश ने माया की याद को सम्मानित करने का फैसला किया और प्यार और दया के जीवन जीने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव में कम भाग्यशाली लोगों की मदद करनी शुरू की जिन्हें जरूरत थी, और उन्हें समर्थन दिया। उसने देने और आसक्ति के बिना प्यार करने में आराम पाया। समय के साथ अराश का दिल ठीक हुआ और उसने अपने अंदर शांति की गहराई का पता लगाया। लीना ने अराश और माया की कहानी से गहराई से प्रभावित होकर कहा, ली
लेकिन मैं कैसे सीख सकती हूँ कि अराश की तरह प्यार करते हुए बिना रिश्तों के परिणामों में आसक्ति नहीं होती? ली ने कहा, मेरी प्यारी लीना, प्रेम को एक खुले दिल से बढ़ावा देने का तरीका यह है कि जीवन की अनिश्चितता को गले लगाएं। समझो कि सब कुछ संबंध समेत बदलने के लिए होता है। ली ने जारी रखा, जब तुम इस मौलिक सत्य को समझोगी तब तुम आसक्ति की जंजीरें छोड़ने लगोगी। लीना ने ली के शब्दों में बसी रही, प्रेम और आलक्षिकता के गहरे दर्शनों को सोख लिया। उसे यह महसूस हुआ कि बिना आसक्ति के प्यार करने के लिए उसे जीवन की अनिश्चितता को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। ली ने व्यक्तिगत जागरूकता को बढ़ाने के लिए कहा कि आपको अपने अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है तो उसे बिना निर्णय के देखो, जैसे आसमान में एक गुजरती बादल की तरह। उसकी मौजूदगी को स्वीकार करो और उसे धीरे धीरे दूर होने दो। इसके अतिरिक्त ली ने कहा, अपने रिश्तों में सावधानी बरतने के लिए सातत्य अभ्यास करो। प्रियो के साथ हर पल पूर्ण रूप से उपस्थित रहो, वर्तमान की सुंदरता का आनंद लो, भविष्य की चिंता न करो और भूतकाल में न रहो। यहां प्रेम का असली सत्ता बसती है। लीना मानसिक नोट्स लेती थी, जल्दी ही इन सिखावटों को अपने जीवन में लागू करने के लिए उत्सुक थी। ली ने अधिक मार्गदर्शन प्रदान किया, सभी चीजों की अनिश्चितता को समझो, संबंधों समेत इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, यह शामिल है। नियंत्रण और मालिकाने की भ्रांति से मुक्त हो जाओ, दया को पालन करो, ली ने जोर दिया। तुम्हारे प्रियजनों के भले और खुशी को माध्यम बनाओ, बिना किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद किए। अपने प्यार और क्रियाओं में निस्वार्थ रहो, तुम्हारी खुशी उन्हें खुश देख कर आनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। निर्ममता का अभ्यास करो, ली ने जारी रखा। अपने रिश्तों में विशेष परिणामों से अपने को अलग करो, उन्हें स्वतंत्र रूप से विकसित होने दो, बिना कोशिश किए उन्हें नियंत्रित या मालिकाने में न लाने की। इस तरह तुम अपने को उम्मीदों के बोझ से मुक्त करोगे, ली ने खत्म करते हुए कहा। अपनी खुशी को पोषित करो, अपने अंदर आनंद और पूर्णता का आनंद लो। मात्र बाहरी स्रोतों पर निर्भर होने की बजाय, जैसे संबंधों पर अपनी खुशी पर भरोसा करने की बजाय, जब आप में संतोष हो तो आप बिना दूसरों की आवश्यकता के प्यार कर सकते हैं। लीना ने ली के अनमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया, जिससे वह प्रेरित और सशक्त महसूस कर अपने प्यार की यात्रा पर निकली, बिना किसी आसक्ति के प्यार करने का। वह मठ छोड़ते समय एक नई दृढ़ता के साथ उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल करने का निर्णय लेकर गई। समय के साथ लीना ने ली के उपदेशों को अपनाया, उसने खुले दिल से प्यार करना सीखा, अपने संबंधों को महत्व देने के साथ ही उनसे आसक्ति में नहीं बंधने लगी। जब उसने अनित्यता को ग्रहण किया और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित किया, तब उसके संबंध स्वस्थ और संतोषप्रद हो गए। लीना की यात्रा में आसक्ति के बिना प्यार की ओर निर्दिष्ट समस्याएं थीं, लेकिन उसने समझा कि यह एक जीवन भर की प्रैक्टिस है। उसकी समर्पणा के माध्यम से वह ने एक गहरी आंतरिक शांति और एक ऐसा प्यार खोजा जो आसक्ति से परे, निष्काम और सनातन था। वह प्यार जो वह आदरणीय महंत ली से प्राप्त किया था, वैसा ही था। कहानी का सिख, वास्तविक प्यार तभी फूलता है जब हम आसक्ति को छोड़कर जीवन की अनित्यता को ग्रहण करते हैं, आंतरिक शांति को प्राप्त करते हैं, और इस प्रक्रिया में निस्वार्थ करुणा के साथ जब हम इस जैन यात्रा के अंत में पहुंचते हैं, तो मैं आपको हमारे इंस्पिरा जैन समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगर आपको इस कहानी में प्रेरणा मिली है तो हमें समर्थन दें और लाइक बटन दबाकर इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, और नीचे अपनी सोच या आपको सुनाई जाने वाली किसी और जैन कहानी के बारे में टिप्पणी छोड़कर हमें समर्थन प्रदान करें। और अधिक प्रेरणा और शांति के क्षणों के लिए सदस्यता लेना और सूचना बेल को बजाना मत भूलें। आपका सहभाग्य हमारी यात्रा को बढ़ाता है। धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस ज्ञान और बोधचित्त के पथ पर चल रहे हैं।